एक बार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से जा रही थी, तभी अचानक जनरल बोगी में मौजूद सारे यात्री एक साथ दंग रह गए। थोड़े पुलिस वाले अपने हाथों में नोटों के बंडलों के साथ जनरल बोगी में आए। इंस्पेक्टर रंजित उस बोगी में मौजूद यात्रियों से, देखिए ये पैसे सरकार रवाना कर रहे हैं, हम इनकी हिफाजत करने के लिए आए हैं। पता चला है कि रास्ते में थोड़े डाकू लोग इन पैसों को चुराने के लिए इस ट्रेन पे हमला करने वाले हैं। हम बहुत कम लोग हैं, उन चोरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ये प्रजाधन है, सरकार हमारे लिए इस्तेमाल करने वाले पैसे हैं। इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगले स्टेशन में हमें मदद मिलने तक इन पैसों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है, कहकर वहाँ से हड़बड़ी में चला गया। भोगी के यात्रियों को वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो आपस में बात करने लगे। 10 मिनट बीते, थोड़े डाकू लोग घोड़ों पे उस ट्रेन का पीछा करने लगे। वो सब पैसे रखे हुए कंटेनर भोगी के अंदर गए। भोगी के पास पैसों की हिफाजत करने वाले पुलिसों को बांध कर भोगी के अंदर जाकर देखे। भोगी को खाली देख कर चोर आश्चर्य में पड़ गए। चोरों का नायक बिल्ला रंजित से, इंस्पेक्टर इसमें के सारे पैसे कहाँ गए, सच बताओ। पैसे? क्या पैसे कहाँ? इस भोगी में पैसे चढ़ाते हुए हमारे आदमियों ने देखा था। ट्रेन जब से निकली थी तब से हम इसे फॉलो करते आ रहे हैं। ट्रेन के अंदर से पैसे बाहर तो नहीं गए, शराफत से पैसे कहाँ पर छुपाए बताओ। आप मार दोगे तो भी ठीक है, मगर आप किन पैसों के बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगला स्टेशन आने से पहले ही हमें अपना काम को निपटाना होगा, पूरी ट्रेन को ढूंढो। सारे चोर एक एक करके भोगी में जाकर पैसों को ढूंढने लगे। पूरा ट्रेन छानबीन करने के बाद भी उन्हें एक नोट भी दिखाई नहीं दिया। बॉस, जनरल भोगी को छोड़कर हमने पूरा ट्रेन ढूंढा है, हमें पैसे कहीं पर भी नहीं मिले। मैंने पूरा ट्रेन जांच करने के लिए कहा था ना, उसे क्यों छोड़े? चलो। बिल्ला वहाँ मौजूद यात्रियों से, शराफत से तुम्हारे पास रखे सारे पैसे हमें दे दो। एक व्यक्ति डरते हुए अपने जेब में से 200 रुपए निकाल कर बिल्ला को दिया। दूसरा आदमी 500 रुपए निकाल कर उसे दिया। एक औरत अपने गले में से नेकलेस निकाल कर, भैया मुझे कुछ मत करो, मेरे पास सिर्फ यही है और ये भी नकली है। नाटक कर रहे हो क्या, मुझे भीख दे रहे हो क्या? वो रंजित तुम्हारे पास छुपाए करोड़ों रुपए के नोट की गड्डियाँ बाहर निकालो। आप क्या बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है जी। मासूम बनने की नाटक मत करना, मुझे गुस्सा आया तो तुम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। ऐसे थोड़ी देर बीती, इतने में वो ट्रेन रुकी। बस बहुत सारे पुलिस वाले उस ट्रेन में छिड़कर उन चोरों को अरेस्ट किए। रंजित जनरल भोगी के पास आया, यात्री तालियां मारकर रंजित का अभिनंदन किए। एक आदमी अपनी पगड़ी निकालकर उसमें से थोड़े नोट की गड्डियां निकालकर रंजित के सामने रखा, और एक आदमी अपने शर्ट के अंदर से, एक औरत अपने पल्लू में से, और थोड़े लोग अपने सूटकेस में छुपाकर रखे पैसे सब निकालकर रंजित के सामने रखे। पुलिस वाले तालियां मारकर यात्रियों का अभिनंदन किए। आप सबको बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी जान की परवाह करे बिना सरकार के पैसों को बचाया है। समझदारी दिखाकर पैसों को चोरों से बचाने के लिए और चोरों को पकड़ने के लिए रंजित को प्रमोशन मिला। उस दिन राजधानी एक्सप्रेस में जनरल भोगी में यात्रा किए सारे यात्रियों को सरकार एक पार्टी रखकर उनका धन्यवाद किया।